जो है चुनावों में भी बोला गया है कि हर जगह जो है कास्ट सेंसस जो है राज्य सरकार जो है कराएगी, लेकिन तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है। सबसे बड़ा इनका अलायंस था वो तो बिछड़ गया, इनसे छोड़ दिया, तो कोई इनके साथ है कौन? ना देश की जनता है ना। नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जातीय जनगणना को लेकर प्रियंका गांधी का बयान आया है, जिसको अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सही करार दिया है। उन्होंने बता दें कि प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन किया है और साथ ही ये कहा है कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना होना चाहिए था और जिस तरीके से बिहार में हुआ है ये तमाम राज्यों में भी होना चाहिए था। इससे पहले बता दें कि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भी इस पर बयान दिया था। उन्होंने इस बयान का समर्थन किया था और साफ साफ कहा था कि प्रियंका गांधी का कथन बिल्कुल सही है, तमाम राज्यों में जाति आधारित गणना होनी चाहिए जिससे कि एक डेटा उपलब्ध हो सके सरकार के पास और उसी आधार पर सरकार जो है लोगों के लिए हित का कार्य कर सके। और इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुनिए। तो हर जगह होना ही चाहिए, पूरे देश में जो है मांग जो है उठ रही है। कई राज्य जो है अब जो है चुनावों में भी बोला गया है कि हर जगह जो है कास्ट सेंसस जो है राज्य सरकार जो है कराएगी, लेकिन असल में ये तो काम जो है मानवता के लिए हुआ है ना, और सही साइंटिफिक डेटा जो है वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से योजनाएं बनाए। और अब तो हम लोग तो कई बार मांग कर चुके हैं, जो लोग आपत्ति जो लोग दर्ज करते हैं उन लोगों को कम से कम प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जाति जनगणना करवानी चाहिए। यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा, तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी आबादी है, कैसी स्थिति में है, क्या कर रही है, तो ये सारा पता होना चाहिए। उसी हिसाब से तो सरकारें जो हैं वो काम करेंगी। तो प्रियंका जी ने जो बोला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे, उन्होंने इस बात को जब पटना आए थे तो उन्होंने हुंकार भरी कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त कर देंगे। अब ऐसा तो लग रहा है वो खुद ही समाप्त हो रहा है। जितने क्षेत्रीय दल थे वो तो सब इनसे बिछड़ गए, कोई इनके साथ टिका कहा। अभी फिलहाल में ही अगर देख ले तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा इनका अलायंस था वो तो बिछड़ गया, इनसे छोड़ दिया, तो कोई इनके साथ है कौन? ना देश की जनता है, ना क्षेत्रीय दल है, ना कोई है। और क्षेत्रीय दल स्टेट है तभी ना सेंटर है भाई, जब स्टेट ही नहीं रहेगा तो सेंटर किस बात का। बिहार में बीजेपी से क्रेडिट ले रही है, जो आप लोगों ने कास्ट सर्वे कराया उसका करे कि हम लोग के सहयोग के बिना थोड़ी हो पाता है। हम लोग सरकार में थे इसीलिए हुआ है, हम लोग के सहयोग के बिना नहीं हो पाता। इतना अच्छा काम है तो देश में करा ना दे, काहेला मोदी जी मना कर देते हैं, काहेला इनके मंत्री सब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं हम नहीं कराएंगे, करवा ले। जैसा कि आपने सुना है कि तेजस्वी यादव ने यहां पर साफ साफ कहा है कि प्रियंका गांधी बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि बता दें कि पिछले दिनों जेपी नड्डा का बिहार में आगमन हुआ था, जहां पर उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त होने की बात कही थी। इसके विरोध में भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो क्षेत्रीय पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं उन्हें तो ये खुद समझना चाहिए कि अब उनका अस्तित्व ही धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। रही बात क्षेत्रीय पार्टी की, तो अगर क्षेत्रीय पार्टी ही नहीं रहेगी तो फिर केंद्र कहाँ रहेगा। यानी कि इस तरीके से तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा के इस बयान का जो है कड़ा विरोध जताया है और साथ ही प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन भी किया है। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।